जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम कलिंग होटल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी रथ यात्रा की सीरीज है, आज की हमारी तीसरी रेसिपी है और वो है छेना बॉडी। वो हम आपको बना के दिखाएंगे। और जो आज की हमारी टॉपिक है वो जगन्नाथ महाप्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है, जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है उसको महाप्रसाद क्यों कहा जाता है, प्रसाद क्यों नहीं कहा जाता, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं छेना बॉडी। ये काफी यूनिक महाप्रसाद रेसिपी है जो मंदिर में बनता है। और ये भोगो मंडप भोग है, जगन्नाथ जी का राजभोग नहीं है, ये भोगो मंडप भोग है। तो पहले छेना बड़ी बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है। तो छेना बड़ी बनाने के लिए जो जो सामग्री हमें चाहिए वो सब हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है कॉटेज चीज, ये 100 ग्राम कॉटेज चीज है। और यहाँ पर हमने लिया है चावल का आटा, ये मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिया है, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, इसको बाइंडिंग करने के लिए इसमें दिया जाता है। और इसके साथ हमें चाहिए स्वाद अनुसार नमक, हींग हमें चाहिए, कसा हुआ अदरक चाहिए, कुटी हुई काली मिर्च चाहिए और जीरा चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं हमें करना है। जो कॉटेज चीज़ हमने लिया है उसको थोड़ा हाथ से अच्छी तरीके से हमें मैश कर लेना है, और मैंने यहाँ पर करके भी रखा है। बहुत ज़्यादा इसको स्मूथ नहीं करना है। पनीर के जो बॉल्स हम बनाते हैं ना सब्जी के लिए, एक रेसिपी मैं आई बटन पे दे दूंगी जो मंदिर में बनता है छेना रोसा। ये मैंने शायद 1 साल पहले डाला था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो रेसिपी है, उसको मैं आई बटन पे दे दूंगी। वो बहुत स्मूथ होता है, उसका जो बॉल्स बनता है वो स्मूथ होता है। लेकिन बड़ी के लिए जो छेने के बॉल्स हम बनाएंगे उसको स्मूथ नहीं करना है, खुरदरा थोड़ा रखना है, इसलिए हमें चावल का आटा थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसमें। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिए हैं चावल का आटा, उसको हम इसमें डाल देंगे। और एक एक करके जो जो सामग्री हमने लिया है वो सब हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले ये कसा हुआ अदरक, कुटी हुई काली मिर्च और ये जीरा, और यहाँ पर हम लेंगे हींग, और यहाँ पर हम लेंगे ये नमक। स्वाद अनुसार हमने यहाँ पर नमक लिया था, तो नाप के हमने लिया था, तो सब हमने डाल दिया है इसमें। तो अभी हम इसको अच्छी तरीके से गूंदेंगे, लेकिन स्मूथ नहीं करना है इसको, बहुत स्मूथ नहीं करना है। जब हम इसको फ्राई करेंगे वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा चावल इसमें दिया है। वड़ी में और पनीर बॉल्स में यही फ़र्क होता है। जो सब्जी के लिए पनीर बॉल्स बनाए जाते हैं वो थोड़े स्मूथ होते हैं, लेकिन जो वड़ी बनाने के लिए बनाई जाती है वो बहुत खुरदरा होता है। तो अभी हमने अच्छी तरीके से इसको मिला लिया है और अभी हम दिखाएँगे। ये देखिए, ये बिल्कुल भी ज़्यादा स्मूथ नहीं हुआ है, ये देखिए, ये बिल्कुल भी ज़्यादा स्मूथ नहीं हुआ है, ये देखिए, ये अभी भी खुरदरा ही है। इस तरीके से खुरदरा आपको रखना है, और शेप अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, मंदिर में तो खैर इसी शेप का मिलता है। जैसा मैंने कहा कि ये भोगो मंडप भोग है, जगन्नाथ जी का राजभोग ये नहीं है। ये भोगो मंडप भोग जब भक्तों के लिए जो भोग बनता है वो जब जगन्नाथ जी के पास भोग लगाया जाता है तब ये भगवान जी के पास भोग लगता है, और ये पंचोपचार में भोग लगाया जाता है। आप अपने हिसाब से साइज रख सकते हैं, छोटा या बड़ा, अगर आप इसको भगवान को देना चाहते हैं, क्योंकि मंदिर में लगता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये सबके सब बन के तैयार हो गए हैं, और यहाँ पर 10 बने, जो छेना बॉडी है यहाँ पर 10 बने, छोटे बड़े थोड़े साइज में हैं, तो ये 10 हमने बनाए हैं। ये बन के तैयार है और घी हमने गर्म कर लिया है ऑलरेडी, तो अभी हम इसको तलेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर पैन गर्म कर लिया है और उसमें मैंने घी दे दिया है। जैसा मैंने यहाँ पर घी दिया है, आप चाहें तो जो भी भगवान के लिए आप तेल यूज़ करते हैं भगवान के भोग बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम ये जो छेने के बॉल्स हैं, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरीके से पकाना है और बहुत कम समय में ये बनता है। और जो भी भोग हम आपको दिखा रहे हैं ये सीरीज हमारी चलेगी निराद्री विजय तक, मतलब जब जगन्नाथ जी वापस आ जाएंगे अपने मंदिर, उस समय तक चलना है। और हर रोज़ हम एक एक करके डालेंगे, सिर्फ बड़ो सिंगार भोग और संध्या धूप भोग में डालूंगी थाली में, क्योंकि वो मैंने लास्ट ईयर नहीं दिखाया था, बाकी सब मैंने दिखा दिया था। सुबह भगवान जी को क्या लगता है, दोपहर को भगवान जी को क्या लगता है, मैंने सब दिखा दिया था, लेकिन ये नहीं दिखाया था, तो इस बार मैं ये दिखाने वाली हूँ। तो ये दोनों हम थाली में दिखाएंगे, बाकी सब एक एक करके दिखाएंगे। और जो भी इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं, मतलब जिस तरीके से मैं दिखा रही हर रोज़ भगवान जी को एक एक भोग देना चाहते हैं, तो वो अपने साथ आटा, मैदा, अरारूट,
सूजी और बेसन, ये पांचों चीजें अपने साथ रखें ताकि जिस दिन जो भी पर्व आएगा उससे पहले दिन ही मैं रेसिपी अपलोड करूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको बनाने में। क्योंकि मैं ये महसूस करती हूँ कि हमारे जितने सारे सब्सक्राइबर हैं उनमें से बहुत सारे हैं जो जगन्नाथ मंदिर का प्रोसेस फॉलो करते हैं और उसी तरीके से प्रभु को देना चाहते हैं। तो हर रोज एक एक बना के दीजिए, इसलिए हम हर रोज एक एक डाल रहे हैं। और स्नान पूर्णिमा में इस बार हम डालेंगे बलदेव जी टेम्पल का एक बहुत ही खास भोग, जो आप स्नान पूर्णिमा में इस साल बना के दे सकते हैं। हर रोज तो आप हर स्नान पूर्णिमा में आप देते हैं भगवान को खिचड़ी या फिर पुलाव बना के, इस बार वो भोग बना के दीजिए। वो भोग जो है, जो बलदेव जी टेम्पल है केंदुझर का, वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध भोग है, वो हम आपको दिखाएंगे और वो स्नान पूर्णिमा के दो दिन पहले मैं अपलोड करूंगी। और देखिए, आपसे बात करते करते ये एक साइड पक भी गया है, ये बहुत कम समय लेता है पकने के लिए। ये देखिए अच्छी तरीके से ये पक गया है। और हींग, अदरक और जो जीरा हमने इसमें डाला है, काली मिर्च डाली है, इन सारे चीजों की खुशबू धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। दो साल से हमने कितने जगन्नाथ जी के भोग आपके साथ शेयर किए हैं, बहुत सारे। कुछ लॉस्ट रेसिपीज हैं, कुछ अभी मंदिर में हाल ही में बंद हुए हैं, कुछ बहुत सालों से बंद हैं। इस साल भी मैं 3 लॉस्ट रेसिपी लेके आई हूँ जो मंदिर में बहुत दिन से बंद हो चुके हैं। सारी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, ये सारे छेने के बड़ियाँ बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से होते हैं छेने की बड़ियाँ। ये देखिए, ये है छेना की बड़ी। तो इसी तरीके से हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिएगा। तो ये है जगन्नाथ मंदिर का बोड़ी, छेना बोड़ी। आई होप ये रेसिपी आपको आज अच्छी लगी होगी और जगन्नाथ जी को आप इस बार जरूर रथ यात्रा में इसको बना के देंगे। आज हमारा एक दूसरा वीडियो भी आएगा और वो होगा जगन्नाथ जी का फुलूरी तेल। फुलूरी तेल किस तरीके से बनाया जाता है, इसके ऊपर लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो डाला था, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर ने वापस से उसको डालने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो वो हम 12 बजे की जो हमारी वीडियो आएगी उसमें फुलूरी तेल के ऊपर वो वीडियो होगा। तो ये थी आज की वीडियो रेसिपी के ऊपर, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो छेना बड़ी तो हमने बना लिया है, तो अभी आइए जान लेते हैं कि जगन्नाथ जी के भोग को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है, प्रसाद क्यों नहीं कहा जाता। भारतवर्ष में या फिर विश्व में जितने सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं उनके भोग को प्रसाद कहा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद क्यों कहा जाता है। कुछ दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे ये बात कही थी, वो उत्तर प्रदेश से हैं। उनका कहना था कि उनके वहाँ पर बहुत दिनों से मतलब जानकारी है लोगों में कि माँ विमला के पास जो भोग लगता है, पहले जगन्नाथ जी के पास भोग लगता है, फिर वो जाके माँ विमला के पास भोग लगता है, माँ के पास भोग लगने से वो प्रसाद महाप्रसाद होता है। तो उन्होंने ये जानकारी चाही थी कि क्या ये सच है। सर्वथा गलत है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर की जो सप्तलिपि है उसकी जो सेवा है 47 नंबर जो सेवा है उसकी पेज नंबर 95 में लिखा है कि ये बिल्कुल भी गलत बात है। और 1995 शायद दिसंबर के महीने मंदिर की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया था कि ये बात बिल्कुल गलत है कि माँ विमला के पास भोग होने के बाद जो वो प्रसाद जगन्नाथ जी के वापस आता है उसको कहा जाता है महाप्रसाद, माँ का प्रसाद महाप्रसाद, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि जगन्नाथ जी जो हैं कैवल्य पति हैं, उनके भोग को कैवल्य कहा जाता है और कैवल्य जो है वो माँ विमला को समर्पित होता है, इसीलिए माँ का दूसरा नाम कैवल्य लोलुपिनी है। तो इसलिए माँ विमला का जो प्रसाद है वो कैवल्य नहीं है और ना ही महाप्रसाद है, क्योंकि वो खुद कैवल्य को लोप करती है, इसलिए उनको कैवल्य लोलुपिनी कहा गया है। दूसरे सारे मंदिर के प्रसाद को नैवेद्य कहा जाता है या फिर प्रसाद कहा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के भोग को श्री महाप्रसाद कहा जाता है। इसके बारे में स्कंद पुराण में भी लिखा गया है, जो महालक्ष्मी जी वैष्णवादी में जो भोजन पकाती हैं उसको श्री जगन्नाथ जी श्री चक्रपाणी जी भोजन करते आ रहे हैं अनंत काल से। और एक श्लोक में लिखा है, जो स्कंद पुराण है उसका एक श्लोक में लिखा गया है, भुक्तते त्वत्तैव भगवान पश्यन् तत्र चक्षुषा, अर्थात श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ क्षेत्र में जो भोजन भगवान जी करते हैं वो साक्षात उस भोजन को करते हैं। जगन्नाथ जी यहाँ पर भोजन करते हैं और बाकी सारे जितने भी मंदिर है जहाँ पर भगवान को भोग अर्पण किया जाता है वहाँ पर सिर्फ अपना नजर डालते हैं, वो खाते नहीं है, सिर्फ अपना नजर डाल के उस भोग को प्रसाद के रूप में रूपांतरित करते हैं। लेकिन क्योंकि वो जगन्नाथ मंदिर में भोजन करते हैं इसलिए जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं इसलिए
जगन्नाथ जी को जो प्रसाद जगन्नाथ धाम में लगता है उसको महाप्रसाद कहा जाता है, उसको कैवल्य कहा जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि माँ विमला के पास भोग होके जगन्नाथ जी के पास वापस भोगने के लिए आता है, ये बिल्कुल गलत बात है। वैसे तो मंदिर में षडांग संस्कार होता है। इस चैनल का सबसे पहला वीडियो जो जगन्नाथ जी के ऊपर था, मैंने उसमें बताया था कि जो षडांग संस्कार होता है मंदिर में, षडांग संस्कार होने के बाद वो महाप्रसाद बनता है, और ये षडांग संस्कार सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में होता है और किसी मंदिर में नहीं होता। तो महाप्रसाद होने का एक वजह ये भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ जी भोजन करते हैं और माँ लक्ष्मी जी स्वयं उनको पकाते हैं, इसीलिए ये क्षेत्र जो है ये भोजन का धाम है, और यहाँ पर अर्पण होने वाले सारे प्रसाद महाप्रसाद कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं, जय जगन्नाथ, जय माँ काली।